हाँ तो आज सीखेंगे हम बेसिकली, जो आज सीखेंगे वो आता तो फंक्शंस में है, लेकिन इनइक्वालिटीज के सवाल और डोमेन रेंज और इंटरवल के सवाल इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी बनते हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको इसी में कवर कर लेते हैं, और उस टॉपिक का नाम है मॉड्यूलस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस सीखें, हेडिंग लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। भाई आवाज मत करिएगा, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैं उसे समझना है इसे, बोले पीछे आवाज नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप बोल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरवल्स हमने सीखा, इंटरवल की क्या इंपॉर्टेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो मैं आपको बता चुका हूँ, मॉड्यूलस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, है ना, और ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास ट्वेल्थ में भी आओगे ना तो हर जगह आएगा इसका, और मॉड्यूलस काफ़ी जगह फिजिक्स में भी आता है, ज़्यादा जगह नहीं आता है लेकिन आता है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का एक और नाम होता है, मॉड्यूलस को एक और चीज बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है, मॉड्यूलस फंक्शन का एक और नाम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। चलिए आते हैं मॉड्यूलस पे, तो जैसे कि मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल्स टू इस तरीके से, है ना, y इज इक्वल्स टू, पढ़ूंगा कैसे इसको, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, है ना, ये मॉड्यूलस ऑफ x शॉर्ट में कैसे पढ़ते हैं, मॉड ऑफ इसका मॉड, x का मॉड, है ना, तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x ये तो पढ़ते हैं। अब ये जो मॉड्यूलस होता है ना, मॉड्यूलस जब ये ओपन होता है, जब ये खुलता है तो ये दो साइंस के साथ खुलेगा, या तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा या फिर नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, है ना, मॉड्यूलस साइन ओपन्स विद इधर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, इतनी बात समझ में आई, मतलब ये जो वाई है ये प्लस एक्स भी हो सकता है और ये माइनस एक्स भी हो सकता है, मतलब मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, प्लस माइनस एक्स होता है। अब ये कब होता है प्लस माइनस एक्स, कब प्लस होता है कब माइनस होता है, इसी की स्टडी हमें करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ टू, है ना, अब सबसे पहली काम, सबसे पहली बात, मॉड्यूलस का काम क्या होता है, मॉड्यूलस एक तरीके से आप ये समझ लो एक पत्थर है, जो पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाएगा ही, मतलब अगर आप पॉजिटिव हो तो अपने आप के मॉड्यूलस आप खुद हो, ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ टू, तो आप बोलोगे टू, है ना, तो मतलब अगर आप पॉजिटिव हो तो कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने आप के मॉड आप खुद हो, लेकिन अगर आप हो माइनस टू तो माइनस टू का मॉड्यूलस क्या होगा, वो भी टू ही होगा, है ना, अगर आप प्लस टू हो तो आप, आपका मॉड भी टू ही होगा, लेकिन अगर आप माइनस टू हो तो भी आपका मॉड टू होगा, है ना, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ टू, तो आंसर क्या आएगा, टू ही आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये मॉड्यूलस किस साइन के साथ ओपन हुआ, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ ना यार, तभी तो ये हुआ पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ लिख देता हूँ, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, टू का मतलब इट इज क्वाइट ऑब्वियस इट इज पॉजिटिव टू, लेकिन अगर मैं बाय कर रहा हूँ वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस टू, माइनस टू का मॉड क्या होगा, माइनस टू का मॉड भी टू ही होगा, पॉजिटिव का टू, है ना, तो यार जैसे कि दो का मॉड तो दो ही आया, तो इस माइनस दो का मॉड दो कैसे आया, ये पॉजिटिव क्यों आया, माइनस दो से दो कैसे मिला होगा, जरूर इसने अपने आप को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया होगा, इस माइनस दो ने अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि वो दो बन गया, नेगेटिव वन, नेगेटिव वन, नेगेटिव वन मतलब माइनस साइन, ठीक है ना, आई बात समझ में, वाई बराबर जीरो का मॉड जीरो, है ना, जीरो का मॉड जीरो, अच्छा तो मतलब मैं ये बात समझ गया यार कि यार ये एक्स में, मतलब ये बेसिकली बात किसकी कर रहा हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ समथिंग की बात कर रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू किसकी बात कर रहा हूँ, मॉड ऑफ समथिंग, तो वो जो समथिंग होगा, वो जो समथिंग जो मैं यहाँ डालूंगा, कुछ भी डालूं मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव, कम से कम आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो, जो कि जीरो का ही मिलेगा, है ना, कभी आपको आउटपुट माइनस थ्री मिल सकता है क्या, माइनस टू मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है, आउटपुट क्या मिलेगा हमेशा मॉड्यूलस फंक्शन का, नॉन नेगेटिव, है ना, मतलब जीरो मिल सकता है, इसका मॉड जीरो होता है, खुद जीरो का, है ना, बाकी आप दुनिया में
पॉजिटिव नंबर डालो, नेगेटिव नंबर डालो या कुछ भी डालो, आउटपुट क्या मिलेगा आपको? नॉन नेगेटिव मिलेगा मॉड्यूलस का। ये बात आई समझ में? ठीक है भाई। तो अब देखो, दो का मॉड दो ही था, माइनस दो का मॉड क्या हुआ? दो ही हुआ। कैसे हुआ होगा? उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया होगा अपने आप को, माइनस दो ने अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया होगा पॉजिटिव बनाने के लिए? माइनस से, तभी तो ये दो बना। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? पक्का? अब मैं इसको जनरलाइज करके लिखने वाला हूँ, तो देख लेना। अब क्या समझ रहे हो आप इससे? कि मॉड्यूलस साइन ओपन होता है दो साइंस के साथ, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव कब होगा? जब वो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, है ना? जीरो या जीरो से बड़ा अगर कोई डालूंगा मैं x, तो मॉड्यूलस खुलेगा किस साइन के साथ? पॉजिटिव साइन के साथ। और जीरो से कम यानी कोई भी x की नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो मॉड्यूलस कैसे खुलेगा? नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा वो अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए, है ना? देखो अब मैं जनरलाइज करके लिखने वाला हूँ एक चीज, देखो अब ध्यान देना। ये y बराबर मॉड ऑफ x, y बराबर मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू, y बराबर मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू x ओनली, है ना? व्हेन x इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बात सही लिखी मैंने? ये समझो, इसको y बराबर मॉड ऑफ x क्या खुलेगा? ये मॉड कैसा? मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा। कब होगा ये? जब x की वैल्यू क्या हो? 0 के बराबर या उससे बड़ी। सोच के देखो, अगर मैं यहाँ y बराबर मॉड ऑफ 2 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है 0 से बड़ा, है ना? नहीं आई बात? सुनो, नहीं आई? देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ एग्जाम्पल। y बराबर मॉड ऑफ 2, है ना? y बराबर मॉड ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 है। सही बात है, है ना? आया समझ में? दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे ना आप अंदर मॉड के अंदर, तो वो ऐसा ही आ जाएगा। ये आ रही समझ में? ठीक। और अगर x नेगेटिव हुआ तो यहाँ क्या आएगा? माइनस x। माइनस x का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है। देखो देखो अब देखो, ये तो आया समझ में? अब मैं क्या ले रहा हूँ? अगर x यहाँ पर ये बॉन्ड खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ, अगर x क्या है? नेगेटिव है, तो x कोई नेगेटिव है तो x की कोई नेगेटिव वैल्यू बताओ। माइनस टू ले लो। हाँ तो देखो, यहाँ मैंने डाला माइनस टू, अगर x नेगेटिव है, देखो 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 माइनस टू डाला ना, x नेगेटिव है ना, तो आंसर क्या है? माइनस ऑफ x। तो माइनस ऑफ x का मतलब क्या है? माइनस इंटू माइनस ऑफ 2, मतलब 2, दोनों सूरत पर 2 मिला। अरे आ रही है बात? नहीं कि नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वापस 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 नहीं भाई, सोचने वाली चीज है, मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ। दो का मॉड तो दो ही होता है, दो का मॉड दो ही होगा, क्योंकि दो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना? लेकिन माइनस दो का मॉड क्या होगा? माइनस दो का मॉड होगा माइनस ऑफ माइनस दो, है ना? माइनस ऑफ ये एक्स माइनस है, देखो बेटे यहाँ पर एक्स इज नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव है तभी तो वो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। आंसर आंसर पॉजिटिव है, दिख रहा है माइनस एक्स, लेकिन इस माइनस एक्स का मतलब क्या है? आंसर पॉजिटिव, दोनों सूरत में आंसर पॉजिटिव। अगर जीरो या जीरो से बड़ा है तो वो खुद है। सही बात है ना? आई कहानी, जीरो या जीरो से बड़ा है तो वो खुद है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो अपने आप को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है पॉजिटिव बनाने के लिए। दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन, देख लो ये y is equals to mod of x, then ऐसा लिखेंगे। y अगर mod of x के बराबर है तो जो y की वैल्यू होगी वो ऐसी हो जाएगी, x ही हो जाएगी अगर ऐसा है, और माइनस x होगी अगर ऐसा है। ये मतलब बेसिकली है ना, एक्सप्रेस करना है किसी फंक्शन को। जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में केसेस लिखते हैं या बातें करते हैं ना, जैसे y बराबर मॉड x की ये बातें होंगी, पॉसिबल बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं कर सकता है मॉड, है ना? तो y बराबर मॉड x की बात ही होगी भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? ढंग से समझेंगे, ये सेंसिटिव टॉपिक है ना, और मजेदार है अगर आप
मतलब लिंक जोड़ोगे तो समझते जाओगे तो बहुत मजा आएगा। समझ में आया था? ठीक, चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। चलिए ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ग्राफ, ग्राफ ऑफ मॉड, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे, बनाते भाई कार्टेशियन पे, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y, x डैश, y डैश, y डैश, है ना। मेरा मन में मुझे पता है कि इसका जैसा भी ग्राफ बनेगा यहाँ नहीं जाएगा, उसका यहाँ कुछ काम ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि y नेगेटिव खाना आएगा ही नहीं कभी, उसका y कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। मुझे ये पता है कि मैं x की पॉजिटिव वैल्यू डाल सकता हूँ, x की नेगेटिव वैल्यू डाल सकता हूँ, मतलब मैं इधर खेल सकता हूँ, मैं इधर खेल सकता हूँ और मेरे को आउटपुट भी इधर ही मिलेगा, है ना। मतलब मेरा यहाँ का रीजन कुछ काम का नहीं आएगा, ये मैंने पहले फील कर लिया है। अब बनाते हैं तो बहुत बचपन में बनाते थे ना ग्राफ, x की वैल्यू डालो तो y मिलेगा। हाँ, तो जीरो से शुरू करो, x की वैल्यू जीरो डालूंगा तो मॉड ऑफ जीरो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। x की वैल्यू जीरो डाली तो मॉड ऑफ जीरो जीरो आ गया, तो जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा बेटे पॉइंट। x की वैल्यू मैं वन डालूंगा, वन इज अ पॉजिटिव नंबर, तो अगर आप पॉजिटिव हो तो अपने आपके मॉड्यूलस तो आप खुद ही हो, तो वन का मॉड क्या होता है बेटे, वन ही होगा। तो x बराबर वन पे y भी वन है ना, तो ये इधर से आया, ये इधर से यहाँ मिल जाएंगे, है ना, ठीक है ना। मेंशन कर देता हूँ 1, 1 है, और जाहिर सी बात है 2 पर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, है ना, तो ये यहाँ मिल जाएंगे, सही है, ये हो जाएगा 2, 2। जाहिर सी बात है 3 पर 3 आएगा, यहाँ मेंशन कर देता हूँ 3 पर 3। समझ में आ रही बात है ना। ये मैंने x की पॉजिटिव साइड की वैल्यू ली तो मेरा पॉजिटिव, अब x की मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो भी पॉजिटिव, है ना। x बराबर बेटा -1 देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, यही आ जाएगा ये पॉइंट, और इसे आप मेंशन कर देते हैं -1, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, x की वैल्यू -2 पे क्या आएगा, यही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, तो -2 पर 2। x की वैल्यू 3 पर -3 पर क्या आएगा, हाँ -3 पर 3, एंड सो ऑन। इतना काफी है, मैं बात कर रहा हूँ y बराबर मॉड ऑफ x की। इन दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। इन दोनों वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 1। तो यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो लीनियर होता है, और लीनियर होती है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और क्योंकि ये y बराबर मॉड x है, y बराबर मॉड x है तो इसका घुमाव कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन से। y बराबर मॉड ऑफ x मतलब ऐसा लिखा हुआ है, y y बराबर मॉड ऑफ x तो मॉड्यूलस क्या है, एक समझ लो घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा समझते हो ना, हॉर्स। तो ये हॉर्स कहाँ बैठेगा, ओरिजिन पे बैठा है, हॉर्स कहाँ बैठा है, ओरिजिन पे बैठा है, और ओरिजिन से बैठा है और ऐसा बना रहा है, ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ, y बराबर मॉड ऑफ x, y बराबर मॉड ऑफ x, the graph of y is equal to mod of x. अरे कल तो तू खाना है, हाँ बस आज मजा आएगा, ठीक है ना। और खूबसूरत दिखे ये, तो ये वाली जो लाइन है ना बेटे, ये वाली लाइन ये तो क्या हो गई, y बराबर x हो गई, है ना। और ये वाली लाइन क्या हो गई, y बराबर माइनस x, बहुत ही बढ़िया, हाँ y बराबर माइनस x की लाइन,
अब चाहो तो सीधा ना ग्राफ बना के बी बना दो और प्लॉट कर दो पॉइंट्स इधर ए है ना भाई। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? बिल्कुल बी के जैसा है ना। अब ये जो बी का जो एड किया ना इसको कहते हैं शार्प एज, तीखा कॉर्नर जहाँ से ये घूमना शुरू कर रहा है। हमेशा घोड़ा ओरिजिन पे थोड़ा ना बैठा रहेगा, जरूरी है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट वही अपना, अब मिटा दूँ ये। हाँ, क्या सीखा मॉड्यूलस में कि मॉड्यूलस का जो साइन होता है वो ओपन होता है किन साइन के साथ? दो साइन के साथ, प्लस माइनस टू। अच्छा अब देखो, हाँ मेरी बात सुनो, अब बात बताते जा रहा हूँ। वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स, सॉरी और अच्छा मॉड ऑफ एक्स शुड बी लाइक दिस, देन एक्स क्या होगा? इसका मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। मॉड ऑफ एक्स जो है वो चार के बराबर या चार के अंदर अंदर होना चाहिए, चार के बराबर या चार से छोटा होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस फोर से फोर। एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस फोर से फोर। अभी बताता हूँ सिंपल। मॉड ऑफ एक्स इज दिस, देन एक्स इज इक्वल टू लाइक दिस। अब देखो दिमाग को थोड़ा सा जोड़ दे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि x क्या हो गया? x बिलोंग्स टू माइनस फोर से फोर। ये होगा कि माइनस चार से लेकर चार के बीच में x की ये वैल्यू होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज गलत है। अब आप बोलोगे क्यों गलत है भाई? पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। माइनस चार चार और आएगी डार्क बॉल ऑब्वियसली, क्योंकि साइन इक्वेलिटी का है ना। मैं इधर नहीं जा सकता, अकॉर्डिंग टू माई आंसर मैं इधर नहीं जा सकता। जाके देखो एक बार, फोर से बड़ा एक छोटा सा नंबर ले लो, 4.1 का मॉड क्या होगा बेटे? 4.1। क्या 4.1 फोर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है? फेल होगा ना। हाँ थोड़ा इधर आ गए, फेल हो गए, वो फेल। इधर जाओ माइनस 4.1 नहीं, चलो पॉइंट दिक्कत दे रहा है, माइनस 5 दे देते हैं। माइनस फाइव का मॉड कितना होगा? फाइव। क्या फाइव फोर से छोटा है या उसके बराबर है? अब आ जाओ इधर, मतलब ये फेल ये भी फेल। इस रीजन की वैल्यू डालो, माइनस फोर से फोर के बीच में आने वाली वैल्यू 0, 1, 2, 3 माइनस टू माइनस थ्री जो डालने डालो, जीरो डाल देते। जीरो का मॉड क्या जीरो चार से छोटा है या उसके बराबर है? हाँ एक बात सच है ना, चार से छोटा है। तो अगर मॉड ऑफ एक्स, अब आई इस बात समझ में? ऑटोमेटिकली ये मैंने समझाने के लिए किया है, आपको ये ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि अगर मॉड ऑफ एक्स किसी संख्या से किसी संख्या, और वो संख्या हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। यहाँ पर अगर तब ऐसा लिखा हुआ है ना, तो बात ही गलत लिखी हुई है, मॉड खुलेगा ही नहीं नेगेटिव साइन के साथ, है ना। वे पीछे, अगर मॉड ऑफ एक्स कोई संख्या से छोटा है या उसके बराबर है तो एक्स कैसे खुलेगा? उसके प्लस माइनस टू, है ना। आई बात समझ में? हाँ भाई बताओ मेरे को, मॉड ऑफ एक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू 10, तो एक्स की वैल्यू एक्स कहां से कहां तक को बिलोंग करेगा? माइनस 10 से लेकर 10। अभी आ गया बात पकड़ में? आ गई पक्की बात? देखो और अच्छे से समझा देता हूं उसको। मॉड ऑफ एक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू 4। जैसे कि अभी हमने बात करी थी मॉड ऑफ एक्स, सिर्फ मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ होता है तो वो घोड़ा कहां बैठा हुआ होता है? ओरिजिन। घोड़ा कहां बैठता है भाई? क्यों बैठा है ओरिजिन पे? क्योंकि लिखा हुआ है सिर्फ मॉड ऑफ एक्स। अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लिखा हुआ होता तो घोड़ा बैठा हुआ होता दो पर। अगर ऐसा लिखा होता ना एक्स माइनस टू, तो उसका टर्निंग पॉइंट में निकालता कि वो कहाँ से घूम रहा है, तो वो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए मुझे इसको जीरो के इक्वेट करना होता, तो एक्स का वैल्यू टू आता, तो मेरा जो ग्राफ बनता वो ऐसे बनता है। यहाँ से ऐसे ये यहाँ नहीं आया आपको एच, अभी यहाँ से देने का ये आगे बात करें, अभी आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप ये देखो आगे बात करेंगे। मॉड ऑफ एक्स क्या है? चार के अंदर अंदर होना चाहिए, चार के अंदर अंदर या उसके बराबर। तो घोड़ा बैठा है यहाँ पर, है ना, घोड़ा मतलब मॉड, ठीक है। घोड़ा अगर यहाँ बैठा हुआ है ओरिजिन पे तो वो बोर हो रहा है, उसको करने के लिए कुछ चाहिए। अब करने के लिए चाहिए, घोड़ा बोर होता है तो खाता है घास, है ना, घास खानी है उसको। अब उसको घास खानी है तो अपने मालिक से बोलता है, ओए आवाज मत करो यार,
तो उसको घास खानी है तो अपने मालिक को बोलता है कि यार मालिक मुझे घास खिलाओ आप। तो कहता है ठीक है तेरे को घास तो खिला दूंगा, लेकिन तेरे को एक चीज याद रखनी है कि तेरे को चार के अंदर अंदर की घास खानी है। अब वो है ना घोड़ा है, वो गधा नहीं है, वो समझदार है, वो नहीं पूछेगा कि चार के अंदर अंदर की क्यों, क्योंकि यहाँ उसको पता है उसकी सीमित है ना, यहाँ इक्वलिटी का साइन है। तो उसके मालिक ने बोला बेटा तू घास तो खा लेना, लेकिन चार के अंदर अंदर रह के खाना, चार के आगे मत चल जाना। क्यों? क्योंकि तू चार के बराबर या चार से छोटा होना चाहिए, है ना। अरे ये बात समझ में? तो घोड़ा समझ गया और घोड़े ने बोला ठीक है आप मुझे एक रस्सी दे दो। एक रस्सी दो, कितने लंबाई की रस्सी? 4 यूनिट की। मुझे आप रस्सी दे दो तो मैं क्या है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं रस्सी मारूंगा 4 लंबाई तक, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मेरी वहां तक की घास मुझे खानी है, है ना। तो घोड़े ने यहाँ पर बैठा है, 4 लंबाई की रस्सी उसको मालिक ने दे दी, 4 लंबाई की रस्सी अगर घोड़े ने मारी तो यहाँ पर आके यहाँ गिरी होगी, ठीक है ना। अरे गिरेगी कि नहीं? लेकिन वो घोड़ा है, वो गधा नहीं है, है ना। तो चार लंबाई की रस्सी यहाँ से मारेगा तो यहीं जाएगी क्या? अरे यहाँ पे नहीं तो जाएगी वो रस्सी, भले ही वो माइनस है लेकिन लेंथ तो उसकी 4 है ना। तो 4 लंबाई की रस्सी उसने इधर मारी तो वहां जाके गिरी, और इधर मारी तो यहाँ जाके गिरी। तो इस तरीके से घोड़े ने -4 से लेकर 4 तक के रास्ते की सारी घास उड़ा दी। इसीलिए दुनिया बोलती है कि अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 देन x इज व्हाट? -4 से 4। भाई बात समझ में आई नहीं? अभी भी पक्का? घोड़ा मेथड समझ लो आप, आया घोड़ा मेथड समझ में? रस्सी वाला घास वाला मेथड, 4 के अंदर अंदर की घास उड़ानी थी उसको, है ना। अब ट्विस्ट करें इसको, अब वही मालिक बोलता है, वो ऐसे बोलता है मॉड ऑफ एक्स जो है, अब समझ गए अब आप घोड़े की चाल समझ गए अब आप। अब यहाँ लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना, यानी 4 से ज्यादा की, है ना, 4 से ज्यादा की। तो 4 से ज्यादा की रस्सी यहाँ, ठीक है, और यहाँ, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो मेरा आंसर क्या होता? -∞ से लेकर -4 में क्लोज। क्यों? इक्वलिटी का साइन है, फिर यूनियन, फिर 4 से इन्फिनिटी। आ रहा है समझ में कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस? 4 के अंदर अंदर मतलब रस्सी देखो इधर भी और उधर भी, रस्सी दोनों तरफ जानी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक। तो अब लिखो ये दोनों चीजें, ये भी लिखो, इसका आंसर ये लिखो और ये लिखो, दोनों केसेस लिखो, ये दोनों केस लिखो। इस आंसर को बेटे ऐसे भी लिख सकते हो, x belongs to close interval -4 से 4। और इस आंसर को कैसे लिख सकते हो, इसको आप इंटरवल के ऐसे तो नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसे ही लिखो x belongs to यहां से लेकर ये यूनियन यहां से लेकर, है ना। आ गए दोनों केस समझ में आया? हां। और दोनों वक्त ये घोड़ा ओरिजिन पे बैठा हुआ था, ये कैसे समझ में आया? सिर्फ मॉड x लिखा हुआ है, सिर्फ मॉड x लिखा हुआ है, मतलब घोड़ा शांति से ओरिजिन पे बैठा हुआ है, रस्सी मारते रहो इंटरवल बताते हो, है ना, बहुत आसान। दिस इज द इजीएस्ट तरीका ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन इट इज गिवन इन मॉड्यूलस, है ना। आगे बढ़े, चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। अब ये देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन शुड बी, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन शुड बी क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन शुड बी लेसर देन इक्वल टू 4, देन एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? देखो मैं बताता हूँ, पहले आपको सिखा रहा हूँ मैं।
सबसे पहले घोड़ा बैठा कहाँ पर है वो निकालना है। तो घोड़ा कहाँ बैठा होता है वो हमें उसका टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ता है। तो टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, मोड के अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन हुआ होता है उसको जीरो के इक्वेट करके। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको जीरो के इक्वेट करूंगा तो सीधा एक्स बराबर जीरो आ जाएगा, इसीलिए वो जीरो पे बैठा हुआ था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसका टर्निंग पॉइंट निकालूंगा तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स का वैल्यू वन वन। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो वाई ऑटोमेटिकली जीरो होता है ना। एक्स बराबर वन का मतलब क्या है, वाई बराबर जीरो। ठीक है, तो मतलब मैं ये समझ गया, मैं ये समझ गया कि यहाँ पर 1,0 होता है ना, है ना। तो ये जो y बराबर मॉड x माइनस 1 का पहले ग्राफ बना लो, ऐसा बनेगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? अरे मॉड x का यहाँ से गुजरता है ना, तो मॉड ये किसका ग्राफ है, मॉड x माइनस 1 का। इसी तरीके से मॉड x माइनस 2 का ग्राफ कैसा होता, वो और यहाँ से होता है। मॉड x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होता, x बराबर माइनस 2, तो वो यहाँ से होता है ऐसे, है ना। आगे बात समझ में, घोड़ा हमेशा ओरिजिन पे नहीं बैठेगा, ये समझ में आ गया ना। हाँ, तो घोड़ा अभी यहाँ बैठा हुआ है, अब यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, और उसको वही चार के अंदर अंदर, चार के बराबर या उससे छोटा, तो यहाँ से चार लंबाई की रस्सी मारेगा तो कहाँ पे जाके गिरेगी, पांच पे, है ना, पांच पे, यहाँ पर पांच आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मारेगा तो कहाँ जाएगी, माइनस तीन पर। आई बात समझ में, ये कैसे निकाला मैंने माइनस की, अरे वन माइनस माइनस की चार, चार होता है ना, आपको चार का खेल याद रखना है। यहाँ से चार लंबाई की रस्सी मारूंगा तो यहाँ जाके गिरेगी, और यहाँ से चार लंबाई की रस्सी मारूंगा तो वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री करके गिरेगी, है ना, सही बात है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया मेरा, माइनस तीन से लेकर पांच तक की सारी खासी उड़ा दे रहा हूँ, है ना। एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस थ्री से लेकर फाइव तक। ठीक है, इसका रिवर्स समझ गए, रिवर्स मतलब अगर ये मुंह में ऐसे घुमा दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, अब आप समझदार, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस थ्री यूनियन फाइव से लेकर इंफिनिटी, लिख लो ये वाला। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज लेसर देन इक्वल टू फोर। ये होता है टर्निंग पॉइंट, हर एक नाम लिख लो याद है, टर्निंग पॉइंट। बेटा वो किताब में कहीं नहीं मिलेगा, मत खोलो इसको, ये सब किताब में नहीं मिलेगा। हाँ बोलो, हाँ वापस क्या हुआ, क्या ये घुमाओ, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। Thank you.
5 by 4
1.25 है ना, तो कहां पर बैठा होगा वो, अब यहां से उसको तीन के बराबर होना चाहिए या तीन से छोटा होना चाहिए ना, तो तीन से तीन के बराबर की रस्सी कहां तक जाएगी, यहां पर आएगा है ना 4.25 ये, और इधर -1.75 का मतलब क्या होता है 7/8 फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या आएगा 1.75 अपॉन 100 करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17/4 अब ये पॉइंट वही है 17/4
चेक करो चेक उत्तर माइनस नाइन बाई टू का मतलब कितना होता है माइनस साढ़े चार है ना माइनस साढ़े चार माइनस एट कितना हुआ माइनस साढ़े पांच का मॉड कितना हुआ साढ़े पांच प्लस माइनस साढ़े चार में दो जोड़ा तो कितना आया माइनस ढाई माइनस साढ़े चार में दो जोड़ूंगा तो कितना आएगा माइनस टू एंड हाफ माइनस टू एंड हाफ का मॉड टू एंड हाफ है ना साढ़े चार में टू एंड साढ़े पांच में टू एंड हाफ जोड़ोगे तो कितना आएगा उत्तर सही नहीं आई बात समझ ये 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 समझ में आया वन टू थ्री ये रीजन वन ये रीजन टू ये रीजन थ्री क्या किया मैंने इस रीजन में टेस्टिंग वैल्यू ली इस इंटरवल में आने वाली मैंने कोई 1% वैल्यू ली और फिर मैंने क्या देखा कि ये मॉड कैसे ओपन होगा ये मॉड कैसे ओपन होगा वो साइन लगाया अच्छा माइनस टू से लेकर वन के रास्ते में कौन आता है माइनस टू से लेकर वन के रास्ते में कौन आएगा जीरो जीरो यहाँ लगाऊंगा तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा वो मॉड है ना क्योंकि ये माइनस वन और जीरो यहाँ लगाऊंगा तो वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और आ रहा है क्या समझ में बेटा इस रीजन की टेस्ट करने वाली वैल्यू कौन सी ली मैंने जीरो जीरो डालने पर ये वाली मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा क्योंकि जीरो डालने पर ये माइनस वन हो रहा है और ये रीजन कैसे ओपन होगा ये मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा रीजन नंबर टू में तो फ्रॉम सेकेंड ये होगा नेगेटिव साइन के साथ ओपन माइनस ऑफ एक्स माइनस वन ये होगा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन प्लस ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट तो माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल और वन प्लस टू इज थ्री थ्री बराबर आठ कब कहाँ देखा है कभी ऐसा तो ये रीजन क्या हो गया कॉन्ट्रडिक्शन फेल अरे नहीं आई समझ में ये रीजन क्या हो गया हमारा सेकेंड वाला रीजन फेल है नहीं फेल सेकेंड रीजन इज फेल लिख लो ये अरे थ्री बराबर आठ होता है क्या यार हाँ तो लिख दो विच इज इम्पॉसिबल हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन इन दिस रीजन इस रीजन में हमको क्या मिला हैंगा कुछ नहीं है मतलब फ्रॉम इन रीजन टू वी आर नॉट गेटिंग एनी सॉल्यूशन है ना आ रहा है ना सो हाँ रीजन टू में तीन आ रहा है आठ के बराबर जो कि होता ही नहीं है गणित में ऐसा तो है ना कहीं पे भी नहीं होता गणित ही छोड़ो थ्री इज इक्वल टू एट यहाँ मेंशन कर दो विच इज इम्पॉसिबल there is no solution in this region there is no solution in this region there is no solution in this region aaya samajh mein ha ab batao region 3 from third ha bhai third region pe aate hain third region 1% value 1 se infinity ke beech mein 2 ha 2 dal ke batao ye kaise open hoga पॉजिटिव साइन के साथ क्योंकि 2 माइनस 1 पॉजिटिव होता है और 2 प्लस 2 भी पॉजिटिव होता है दोनों खुलेंगे कैसे पॉजिटिव साइन के साथ तो पॉजिटिव साइन के साथ तो सीधा लिखो x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 8 x में x जोड़ा 2x माइनस 1 से 2 जोड़ा प्लस 1 बराबर 8 तो 2x बराबर 7 तो x बराबर 7 बाय 2 आ रही बात समझ में सॉल्यूशन आ गया हमारे पास एक्स पे क्या क्या है हाँ साढ़े तीन और माइनस साढ़े चार बेटा साढ़े तीन डाल के देख लो आएगी साढ़े तीन में से एक घटाया ढाई है ना सात बाय दो का मतलब साढ़े तीन होता है थ्री डाल ढाई और साढ़े तीन में दो जोड़ा साढ़े पाँच में ढाई जोड़ा कितना आता है ये दो सॉल्यूशन आ रहा है समझ में मॉड्यूलस ये सवाल ने हमें क्या सिखाया डबल मॉड्यूलस है मल्टीपल मॉड्यूलस अगर एक सवाल में आ गए तो ऐसे करेंगे हम ठीक है सबसे यही नंबर लाइन इज द बेस्ट तरीका मैं आपको आपको हर लेक्चर में ये बात बताता हूँ नंबर लाइन से बेहतर तरीका पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज निकालने का और कोई नहीं है है ना नंबर लाइन से बेहतर तरीका और कोई नहीं है क्रिटिकल पॉइंट्स लगाइए क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करिए रीजन का साइन चेक करिए आपका उत्तर आ जाएगा ठीक है ना इस क्वेश्चन को भी हमने नंबर लाइन से ही किया है ना टेस्टिंग वैल्यू डालनी पड़ी पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट लगा दिया और फिर उस रीजन में टेस्ट करने के लिए वैल्यू डालते गए जिसने हमें यह दिखाया कि उस रीजन में ये मॉड्यूलस किस साइन के साथ ओपन हुआ ये याद आया समझ में चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम में करेंगे
स्क्रीनशॉट।